विश्वजीत कुमार सिंह। कौन आने वाले हैं यहाँ पे? प्रमोद प्रेमी। कब आएंगे? सिंगर आने वाले हैं। कौन सा सिंगर? प्रमोद प्रेमी आने वाले हैं। प्रमोद प्रेमी जी जी। कितना बजे आएंगे? वो तो आ जाएंगे यहाँ पे वही सुबह शाम 4 बजे आ जाएंगे। शाम 4 बजे तक? शाम के 4 बजे आ जाएंगे। अच्छा, कितना देर प्रोग्राम करवाएंगे? प्रोग्राम सुबह तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा। बिल्कुल, पूरा बिहार में एक यूनिक है ये फटिकबरा और वैशाली के गर्व की बात है ये कि इतना अच्छा जो है हमारे वैशाली में, वो भी फटिकबरा में इतना अच्छा से, और हमें लगता है कि लोग को इनसे इंस्पिरेशन लेना। दोस्तों नमस्कार, आज बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में प्रमोद प्रेमी इसी स्टेज से प्रोग्राम करवाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रंजीत कुमार सिंह जो ISS, उनका घर पड़ता है देसरी प्रखंड में। अभी हम यहाँ पे आए हैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि छठ पूजा की तैयारी किस तरीके से किया गया है, इधर आप देख सकते हैं। और इसी के अवसर पे प्रमोद प्रेमी जी आ जा रहे हैं प्रोग्राम करवाने के लिए। यही स्टेज से उनका प्रोग्राम होने वाला है, प्रमोद प्रेमी जी यही स्टेज से होने वाला है। आइए कुछ लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत कुमार सिंह। कौन आने वाले हैं यहाँ पे? प्रमोद प्रेमी। कब आएंगे? आज आने वाले हैं। आज आने वाले हैं। कितना बजे तक आएंगे? 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक यही स्टेज पे प्रोग्राम? स्टेज पे ये स्टेज। कितना देर प्रोग्राम होगा? होगा 4 बजे तक। 4 बजे तक होगा। और भी कोई आ रहा है क्या? उसके साथ गायिका आएंगे। अच्छा, गायिका भी। क्या नाम हुआ भाई? निखिल सिंह। निखिल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, छठ महापर्व है, बिहार का इमोशन है। बिहार का इमोशन है, फीलिंग्स है, बिहार का फीलिंग्स है। तो यहीं पे हो रहा है तुम लोग का छठ? हाँ, हर साल यहीं पे होता है। यहीं पे होता है, पुरखों से यहीं पे चला आ रहा है। अच्छा, तो कौन आने वाले हैं स्टेज पे? कोई भोजपुरी के हीरो है, प्रमोद प्रेमी नामक, वही आ रहे हैं। प्रमोद प्रेमी सिंगर है। हाँ, वही आ रहे हैं। वही आ रहे हैं। हाँ, तो प्रोग्राम देखोगे? देखेंगे, आएंगे रात में। रात में? रात में आने वाले हैं? हाँ, शाम में आने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप प्रमोद प्रेमी जी यही स्टेज से प्रोग्राम करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उनका स्टेज पूरा सज धज के तैयार हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आप स्टेज देख सकते हैं, यहीं से प्रमोद प्रेमी जी अपना प्रोग्राम करेंगे। और उधर देख सकते हैं छठ पूजा की तैयारी अच्छे तरीके से हो चुका है। आज रात में प्रमोद प्रेमी जी आने वाले हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम नितिन सिंह आर्यन हुआ सर। निखिल सिंह आर्यन। नितिन सिंह आर्यन। अच्छा जी, तो कौन आने वाले हैं यहाँ पे? सिंगर आने वाले हैं। कौन सा सिंगर? प्रमोद प्रेमी आने वाले हैं। प्रमोद प्रेमी जी जी। कितना बजे आएंगे? वो तो आ जाएंगे यहाँ पे वही सुबह शाम 4 बजे आ जाएंगे। वो शाम 4 बजे तक? शाम के 4 बजे आ जाएंगे। अच्छा, कितना देर प्रोग्राम करवाएंगे? प्रोग्राम सुबह तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा। मॉर्निंग तक? मॉर्निंग तक चलेगा। अच्छा, आप लोग कौन से चैनल से हैं सर जी? आप कौन, ये जो प्रोग्राम करवा रहा है कौन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं? ये हमारे गांव के सारे सदस्य, जितने भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण वासियों का इसमें सहयोग है। डॉक्टर रंजीत कुमार सर जो हमारे मामा हुए, उनका योगदान है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि ये हमारे बिहार का इतना बड़ा त्यौहार है जो इसको आप लोग इतना धूमधाम से इतने अच्छे तरह से मनाए। और ये आप देखेंगे कि ये जो यहाँ ऐसे, ये आप देख रहे हैं ना बगल में केला लगाने का ये जो सिस्टम है, पूरा बिहार में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, पूरा बिहार में एक यूनिक है ये फटिकबरा और वैशाली के गर्व की बात है ये कि इतना अच्छा जो है हमारे वैशाली में, वो भी फटिकबरा में इतना अच्छा से, और हमें लगता है कि लोग को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए कि भाई एक यहाँ भी होता है तो कुछ हम। और इससे ये क्या है कि हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को पता चलेगा कि भाई एक बिहार में ऐसा फेस्टिवल होता है जो लोग इस तरह से भी मनाते हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? विकास कुमार नाम हुआ। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं पे स्थानीय निवासी है। स्थानीय निवासी। कैसा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा छठ पूजा का ऑर्गेनाइज किया गया है, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में यूनिक दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ये लोक आस्था का पर्व है, ये हम लोग छठ के रूप में मनाते हैं, इससे बिहार वासियों का ये गौरवान्वित है। इससे लगता है कि यहाँ हमारा छठ जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार है और बिहार के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। इससे यही है कि सभी लोग को संस्कृति याद है, जहाँ हमारे पूर्वजों या हमारे मैंने बिहार के लोगों को यही है कि जहाँ अच्छा से पर्व का इस त्यौहार मनाए, और यही खुशियाँ है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन आने वाले हैं स्टेज पे? कौन आने यहाँ पे? प्रमोद प्रेमी आने वाले हैं। प्रमोद प्रेमी? हाँ। तो लगता है कि दर्शक तो पूरा भरा रहेगा, कैसे एडजस्ट हो पाएगा? अब यहाँ पे मैनेजमेंट किया हुआ है, सभी लोग देख रेख में रहेंगे, प्रशासन भी रहेंगे, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अच्छा से होगा और प्रोग्राम अच्छा से किया जाएगा। चलिए, तो अगर आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं तो एक बार आइए प्रमोद प्रेमी जी से, अगर आप मिलना चाहते हैं, उनका गाना सुनना चाहते हैं, तो आज बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं, करीब करीब 10 बजे तक आ जाएंगे। क्या
क्या आपको लगता है 10 बजे तक आ जाएंगे? 10 बजे नहीं, शाम के 4 बजे तक उनका आगमन हो जाएगा। शाम के 4 बजे तक उनका आगमन होगा। और प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? प्रोग्राम 6-7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितने भी हमारे श्रोता देख रहे हैं उनसे मेरी सादर आमंत्रित है कि आप लोग प्लीज़ आए इस कार्यक्रम में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारे बिहार के इस पर्व, पावन पर्व को थोड़ा सा और दूसरे राज्यों में भी ये करें कि हाँ भाई हमारे यहाँ भी एक ऐसा पर्व होता है जिसे इतनी आस्था के साथ मनाई जाती है। तो आप लोग से भी निवेदन और इनके चैनल को मेरा विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरी पर्सनल है, इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल अपनी निजी है कि कोई अगर इतना मेहनत कर रहा तो उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला जाए। इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दीजिएगा भाई। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पूरे बिहार, पूरे वैशाली के लोगों को यह पता चल सके कि आज प्रमोद प्रेमी जी यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अच्छा भैया,